हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ राजस्थान, और अभी मैं देहरादून से दिल्ली तक ट्रैवल करूँगी बस से, एंड उसके बाद दिल्ली से राजस्थान तक मैं ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। सो अभी बज रहे हैं 12 और 1 बजे की मेरी बस है, तो मुझे निकलना होगा। और मेरा सामान वगैरह सारा पैक हो चुका है और मैं निकलती हूँ। चलो मैं निकलती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ ISBT देहरादून में। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स गैदर हो चुके हैं, आपको दिखा। हेलो सो हम अभी खतौली में रुके हैं सिर्फ चाय पीने के लिए। अभी डिनर हमारा 9:30 बजे होगा और दिल्ली में ही होगा। हम फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए 9:30 बजे, और अभी तक हमने डिनर भी नहीं किया है, तो बहुत सारी भूख भी लग गई है। तो पहले कंपार्टमेंट में बैठते अपनी सीट लेते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं। सो पहुंच गए ट्रेन में और अब करते हैं हम डिनर। ये हमारा डिनर है, पता नहीं क्या मिक्स है इसमें। टेस्टिंग टाइम कैसा लगा टेस्ट? हमारे कॉलेज की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हैं। सबसे खूबसूरत 3 लड़कियाँ हमारे डब्बे में। सबसे आंखें कैसे आ रही उसकी? फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं जोधपुर, जहां हमने होटल में स्टे करना है। एंड यहां का ये पूरा व्यू है, ये यहां से एंट्री गेट है और व्यू काफ़ी बहुत अच्छा है। अनलॉक करना, अंदर जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हमारा रूम कैसा है। बहुत एक्साइटेड है, देखिए। ओह माय गॉड, लाइट्स ऑन करना। ओह माय गॉड, बट जो भी है रूम बहुत ही अच्छा है। आर यू मैं भी। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रंच करने। वाह, काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। सो चलो खाना देखते हैं, खाने में क्या क्या हमारा खाना है। एंड बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हमने अभी ब्रंच कर लिया और अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ से हार्डली 30 मिनट्स का रास्ता होगा, एंड उसके बाद मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ सब चीज़। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, और अभी हम यहाँ अंदर विजिट करेंगे। ये आपको मैंने आउटसाइड का दिखा दिया है। तो सबसे पहले फोर्ट में एंटर करने से पहले हमारी चेकिंग हुई, और उसके बाद हमने अपने टिकट्स लिए, जो कि पर पर्सन 200 रुपीज़ है। बट हम कॉलेज की ट्रिप से गए थे, तो हमें डिस्काउंट में 100 रुपीज़ पर पर्सन मिला। जैसे ही हम एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में हमें कई सारे लोकल आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको सुन के हमारा मन भी शांत हो गया था। इतनी मेलोडी के साथ वो लोग गा रहे थे। मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट है कंट्री का। इसके अंदर आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सीस महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रकार, पालकी खाना, दौलत खाना एंड ऑल। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एलिफेंट हर्ड और कुछ पेंटिंग्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। फिर हम देखते हैं पालकी खाना में। पालकी खाना में जहाँ पे कई टाइप्स की पालंकीज थी, जो कि ट्रैवल के लिए यूज़ होती थी लेडीज़ और मेल के लिए किसी स्पेशल ओकेज़न में उस टाइम। साथ ही हमने विज़िट किया आर्मरी गैलरी में, जहाँ हमने देखे सारे पीरियड के आर्मर, जैसे कि गन्स, तलवार देखी हमने, कई टाइप्स की बड़ी बड़ी गन्स देखी एंड आइवरी देखी।
फिर आते हैं हम मोती महल में, जिसको देखकर मेरी आंखें एकदम से चमक उठी। और क्यों नहीं उठती भाई, इतना सुंदर डेकोरेटिव जो था, मन कर रहा था बस यही देखती रहूं। उसके बाद हम आते हैं फोर्ट के टॉप व्यू में, जहां से जोधपुर का पूरा व्यू नज़र आता है, डब्ल्यू सिटी। फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें कुछ स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। और जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ के आर्टिस्ट ने हमसे पूछा कि आप लोग उत्तराखंड से हो, हमने बोला हाँ, तो उन्होंने भी बोला हो जाए एक उत्तराखंडी गाना। फिर हम भी क्या, हम भी नाचने लगे। मार्केट में, और मैं यहाँ मार्केट में हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं ज़रूर लूँगी। बाकी अभी तो मैं वाली शॉप में हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग भी कुछ जो उन्हें पसंद आएगा वो चीज़ ले रहे हैं। हम यहाँ पे खा रहे हैं गोलगप्पे, सिर्फ टेस्ट करें। होटल में चेक इन हो चुके हैं और हमने चेंज भी कर लिया है। बाकी अब अभी जा रहे हैं हम डिनर करने, उसके बाद देखते हैं उसके बाद का सीन क्या होगा। एक नंबर झूठ। और हमारे कमरे का हालत बहुत ही खराब है, सारे सूटकेस कपड़े वगैरह और बेड तो इतना गंदा हो रखा है, यहाँ पे पूरा फैल रखा है। गाइस ने बताया कि खुद का रखा है, खुद मेरा सामान यहाँ पे अलग से, अलग से, अलग से। गाइस 10 बार इस लड़की ने कपड़े चेंज किए हैं, इसको बता दो। गाइस ये करने का आप देख सकते हो, बस एक नॉर्मल सा नाइट शूट। और गाइस इन्होंने खाना खाने चलते हैं, चलो। डीजे नाइट के साथ साथ हमें यह राजस्थान का बहुत ही प्यारा कल्चर सुनने को मिला है। This is all about dinner. सूप, कबाब और ये पनीर एंड ये फ्रूट्स की ग्रेवी, रोटी एंड सैलड। अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं। डिनर तो हो चुका है, बाकी इसके बाद का सीन ये है कि अभी हमारा डीजे नाइट हो रहा है, तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मेरी दोनों फ्रेंड्स भी रेडी हो रही है। ओके सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, यस गाइस चलते हैं। आपने वीडियो में देख लिया, और अभी हम कितनी 12 बज रही है रात की, और हम जा रहे हैं पूल में, पूल में रात को, वो भी ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, नहीं बस जा रहे देखने, नहाएंगे सुबह। नहीं यार पूल तो देखा है, स्विमिंग पूल नहीं देखा है, स्विमिंग पूल देखा है राजस्थान का, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का पूल देखेंगे। सैयाने देखा ऐसे ना पानी पानी हो गई। वाओ गाइस हम रात में पूल पे जा रहे हैं, बहुत ठंडा है, तो समझ पागल हो। मैं ज्यादा भी नहीं है, हां ठीक है तो जाओ फिर, तू मत आना, ये तो चलो तेरे लंबे साथ लोग, चलो यार जाओ लड़के जाओ। एक काम कर फोन मुझे दे, तू जा। ना जूते निकाल रहा बस, रुकिए हार्ड में जा दुनिया, जो सबसे बढ़िया दुनिया माँ तेरा दुनिया सबसे बढ़िया हमारा दुनिया। जो स्विमिंग पूल में जाएगा उसे 1000 रुपए मेरी तरफ से, ₹1000 मेरी तरफ से। ओ भाई स्विमिंग पूल में जाओ कल यार, तुझे 1000 रुपए दे देंगे। तो सही में जा रहा है, 1000 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए चले तो मैं भी चलूंगा, 1000 रुपए मिलेंगे भाई, ऐसे नहीं होता, सच बोल लो, 1000 रुपए नंबर लिए ऑनलाइन देख लो, सारे चले गए तो 6000 रुपए गए तेरे,
ये समझ लियो। मैं करूँ काम लौरा, मैं कर भयंकर तो ये उठाऊंगी मैं, पी लूंगा भाई मैं अभी जाके। अबे अमीषा आजा, उठा अमीषा इतना।